गुलाम रसूल बलियावी रविवार को नवादा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अपने बयान में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव और बाबा बागेश्वर पर हमला बोल दिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी, रामदेव बाबा और बाबा बागेश्वर पर जमकर हमला किया है। नवादा में रविवार को मरकजी इदारा ए शरिया की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बाबा रामदेव भारतीय नहीं है, पाकिस्तान के लश्कर ए तैबा से उनका कनेक्शन है। बता दें कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, संपत्ति कहां से आई है इतनी इसकी भी जांच होनी चाहिए। जदयू नेता बलियावी ने कहा है कि बाबा रामदेव को जो जमीन दी गई है और जितना उनका प्रोडक्ट है, जितना माल दुकान में बेचवा रहे हैं, वो कहां कहां से बनकर आ रहा है इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सवाल पर कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस सवाल पर कहा कि पता नहीं वो कौन है, क्या है, उनके बारे में हम तो नहीं जानते, लेकिन हम देश के संविधान और अदालत को जानते हैं। इस तरह के बहुरूपिया की जगह हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कपड़ा और मेकअप कर हमारे देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इस दौरान गुलाम रसूल बलियावी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध दिया है। कहा है कि अगर पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमानों को जगह दे दी जाए। जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को दिखा रहा था तो कोई नागपुर से बाबा जवाब देने नहीं आए थे। जी हां, बता दें कि उन्होंने कहा है कि एक मुसलमान का बेटा ही सामने आया था जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। नवादा के प्रसिद्ध मदरसा दारुल उलूम फैजुल बारी आयोजित इस कार्यक्रम में गुलाम रसूल बलियावी ने सभी लोगों से अपील कर कहा है कि दहेज के बिना शादी कीजिए। कोई दहेज लेता है और उसके बारे में जानकारी होती है तो स्पेशल मीडिया पर वायरल कीजिए। जी हाँ, बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि दहेज लेने वाले लोगों की शादी में शामिल नहीं होना चाहिए। दहेज बहुत ही बुरी चीज है, इसे जल्द से जल्द पूरे देश से दूर कर देनी चाहिए। तो बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से उलझने में डर लगता है तो बॉर्डर पर मुसलमानों को खड़ा कर दे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24।